हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होम रेमेडी लेकर आई हूँ। ये होम रेमेडी कोल्ड कफ और फीवर के लिए है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और इंस्टेंट रिलीफ आपको देगी कोल्ड से, कफ से, फीवर से। तो सीजनल अगर आपको जुकाम है, बुखार है या फिर आपके बलगम जमा हुआ है, आपको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, बहुत ज्यादा बुखार है, आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप ये काढ़ा बनाकर पीजिए। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, इसको आप फॉलो करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर इसको बनाना हम शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए एक पैन में हमने 2 ग्लास पानी लिया है। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे 2 तेज पत्ते। तो यहाँ पर पूरे एक दिन के लिए हम काढ़ा बनाकर रेडी कर रहे हैं, तो जिसके लिए 2 ग्लास पानी में आपको 2 तेज पत्ते डालने हैं। फ्रेंड्स, ये जो काढ़ा है बहुत ही बेनिफिशियल है और इंस्टेंट रिलीफ के लिए बहुत अच्छा है। सर्दियों का मौसम है तो सर्दी जुकाम बुखार घर घर लगा हुआ है, आप इसको फॉलो कीजिएगा, जरूर पीकर देखिएगा, बहुत फायदा होगा आपको। तो 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट कर लें और उसको भी आप इसमें ऐड कर दें। इसको एक ग्रेट करने से जो अदरक का जूस है वो पूरी तरीके से काढ़े में आ जाएगा, तो ग्रेट करना बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही 4 से 5 लौंग ऐड कर दें। लौंग भी बहुत अच्छी होती है, हमारे सीने में जो बलगम जमा होता है तो उसको निकालने में बहुत हेल्प करती है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच के करीब दालचीनी पाउडर। आप चाहें तो 2 से 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है कोल्ड कफ के लिए। साथ ही फीवर जो अगर आ जाता है आपको कोल्ड और कफ के कारण, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ ही 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, जो कि अगेन बहुत अच्छा है कोल्ड कफ फीवर सभी के लिए, म्यूकस को निकालने में यानी कि बलगम को भी बाहर निकालने में बहुत अच्छा है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है इसके अंदर। 1 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन अगेन बहुत अच्छा होता है कोल्ड कफ के लिए, इसके अलावा चेस्ट कंजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। 8 से 10 हम इसमें काली मिर्च के दाने ऐड करेंगे, पर साबुत ऐसे ना ऐड करें, इनको आप थोड़ा सा क्रश कर लें। तो काली मिर्च के दाने भी बहुत हेल्प करेंगे, आपको फ्लू से बचाएंगे, कोल्ड कफ नहीं होने देंगे और आपको इन्फेक्शन से फाइट करने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको फीवर हो रहा है उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे, जो कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम से भरपूर होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ये भी कोल्ड कफ और फीवर में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड करेंगे, अगर आपके पास पुराना गुड़ है तो बहुत अच्छा, ये भी कोल्ड से फाइट करने में बहुत हेल्प करता है। और अगर आपके पास पुराना गुड़ है तो वो ज़्यादा फायदा करता है। नया गुड़ है मेरे पास तो मैं नया ऐड कर रही हूँ, वो भी चल जाएगा, पर पुराना गुड़ थोड़ा सा काले रंग का होता है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे 8 से 10 तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों की तो बात ही अलग है, और तुलसी के पत्ते में तो इतने सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको गिनाना मुश्किल हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जड़ से बुखार को, कोल्ड को, कफ को, सभी को खत्म करने में। कैसा भी इन्फेक्शन हो बॉडी के अंदर, सभी के ये बहुत हेल्पफुल है। तो ऑल इन ऑल जितने भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज किए वो सारे कोल्ड कफ और सभी के लिए फाइट करने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो देखिए यहाँ पर काढ़े को मैंने 50% रिड्यूस कर लिया है। हमने जितने अमाउंट लिया था उसको हमें आधा पका लेना है, यानी कि जब तक पानी पूरा आधा नहीं रह जाता इतना हमें इसको पकाना है। तो यहाँ पर ये काढ़ा हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है, कुछ देर मैं इसको और पकाऊंगी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसको और पकाना होगा तभी जाके ये बिल्कुल 50% रह जाएगा। यानी कि 2 ग्लास पानी लिया था, 2 ग्लास का आधा रह जाना चाहिए 1 ग्लास, इतना हमें इसको पकाना है और बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है। यहाँ पर ये जो काढ़ा है ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसको आप किसी बोल में निकाल लीजिए और इसको आपको पीना है दिन में 3 बार। ये काढ़ा बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स, इसको मैं यूज़ करती हूँ रेगुलरली और विंटर सीजन में बहुत ही हेल्पफुल है। सारी जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत अच्छे हैं कोल्ड कफ के लिए, फीवर के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी ये जो एयर चैनल्स होते हैं, साइनस जो होते हैं उनको भी हेल्प करने में, क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये आप ज़रूर पीजिएगा, इसको हमें गर्म गर्म पीना है और सिप करते हुए पीना है। इसको आप जितना हमने ये लिया है इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, तो आपको सुबह, दोपहर और शाम 3 बार पीना है। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, गुड़ का यूज हुआ है, काला नमक का यूज हुआ है, तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो आप इसको ऐसे ही पी सकते हैं। आपको हनी की जरूरत नहीं है इसके साथ, इसको आप 3 बार पीजिए, गरम गरम पीजिए, सिप करते हुए पीजिए, आप देखिए आपका जुकाम, बुखार, खांसी सभी को चुटकियों में गायब हो जाएगा। और इसको इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल मेरे तरीके से बनाइए, फिर देखिए आप मुझे लिखकर जरूर बताइएगा आपको इससे फायदा हुआ या नहीं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।